रहा है, टेंशन हो रहा है। बाढ़ क्या, ये यमुना का पानी छोड़ा गया है भाई ये, और वो जो हाईवे चल रहा है उस साइड वहाँ पे वही रोड बचा है, नहीं तो रोड के पार पानी हुआ तो पूरा उधर भी पानी हो जाएगा, सारे लोग घर छोड़ के चले गए यहाँ पे। अब वो तंबू दिख रहे हैं वो सफ़ेद सफ़ेद, वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। अभी आपको जाते हैं, जाएंगे तो दिखाते हुए जाएंगे। हाँ, और उधर भी पानी पानी हो गया, उधर भी दिखाएंगे चल के। पिंकी जी बहुत पानी भरा हुआ है, अफसोस हो रहा है साला। चलो इधर भी दिखा देते हैं इनको क्या है। ये देखो, ये है सराय कालेखां वाला रोड, यहाँ सराय कालेखां जाते हैं लोग यहाँ से, तो ये कावर वगैरह लोग जा रहे हैं लेके, और यहाँ पे ठहरने वाला है लोगों का, कावरियों के ठहरने वाला है यहाँ पे। यही पे जल प्लांट है, वो भी बंद हो चुका है यहाँ पर उनका, कांवरिया लोग वगैरह यहाँ पे, कांवरिया भोलेनाथ के जो है वो जल भर के ला रहे हैं हरिद्वार से, तो इधर चलाने जा रहे हैं जल। देखो ये भाई कितना सारा जल लेके जा रहे हैं, बम भोले बहुत लोग जा रहे हैं। हमारी पिंकी जी देखो क्या कर रही हैं, और ये पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये जो है ना क्या बोलते हैं इसका, ये यमुना का पानी आ गया है, हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया है ना हिमाचल प्रदेश से, वही पानी आया है। ये पूरा इलाका यमुना क्षेत्र का है, देखो कतई बिल्कुल ही पानी पानी हो रखा है बिल्कुल। देखो आप लोग देख सकते हो, मेट्रो जो जा रही है वहाँ पे, उसके वो जो नीचे के देखो कम से कम नहीं तो 25-25 फुट होते हैं, अब कितना बचे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 3 या 4 फुट बचे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लोग भी रहते थे, झुग्गियाँ डाले, वो आपको सफ़ेद सफ़ेद तंबू दिख रहे होंगे, सरकार ने उन लोगों के लिए झुग्गियाँ डाल रखी हैं, वो यहाँ पे लोग रहते थे। देखो किसी किसी के घर भी दिख रहे हैं, ये देखो ये घर है किसी का, ये बेचारा घर छोड़ के चला गया, वो देखो वो हरितरपाल की पन्नी दिख रही है, और यहाँ पे काफ़ी घर हैं, अब पूरा मकान भी थे यहाँ पे, मकान भी थे। ये देखो बच्चे आ रहे हैं इन लोगों के। हेलो, यहाँ पे घर किसका था, आप लोगों का था, पानी आ गया ना, सरकार ने कुछ किया है, कुछ नहीं किया भाई, देखो सरकार ने कुछ नहीं किया, बच्चे भी बोल रहे हैं, ठीक है। वो मेट्रो जा रही है, पानी इनका घर, इन बच्चों का घर था यहाँ पे, काफ़ी लोगों का घर थे, सारे के सारे डूब गए, कम से कम 50,000 लोगों को यहाँ से निकाला गया है, अब बताओ। और तो और लाल किला, और क्या, सावन का भी टाइम चल रहा है, कंवरिया भी आ रहे हैं भाई, और तो और अपने लाल किला में भी पानी घुस गया है। लाल किला, कश्मीरी गेट, यमुना बैंक, लक्ष्मी नगर मेट्रो, अक्षरधाम, ये सब पानी घुस गया है हर जगह। अक्षरधाम ये है, इसके पीछे पानी पानी है इस साइड, अभी हम लोग जाएंगे तो दिखाएंगे, इस साइड पानी पानी है, बिल्डिंग बनी है ना, इस साइड पानी पानी है बिल्कुल। और पिंकी जी एकदम बहुत बुरा हाल है ना भाई, दिल्ली वालों का क्या होगा, दिल्ली छोड़ के गांव भाग जाओ, इन गांव भी कहां जाओ, देखो पानी पानी, दूर दूर तक पानी पानी है। अभी कल केजरीवाल बोल रहे थे, पता है पिंकी जी, बोल रहे थे हथनी कुंड से पानी 3 लाख क्यूसेक छोड़ा गया है। अब वो खैर ओखला बैराग जो है ना वहाँ पे खोल दिए गए हैं, तो वो पानी उधर से थोड़ा बहुत निकलेगा, कम से कम है तो 20-25 फुट नीचे आए, काफी नीचे था पानी, इसमें पानी इतना था ही नहीं। यहाँ पे लोग रहते थे, हाँ रहते थे यहाँ पे लोग, और यहाँ पे मैंने देखा था फसलें भी थी, टमाटर मिर्चा प्याज लहसुन हर चीज यहाँ पे थी, खीरा ईरा सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे हमारे भाई कांवरिया भाई लोग हैं, यहीं पे इनका खाने पीने का सब लगा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो, तो वहाँ पे भी पानी पानी हो गया, इन बच्चों का बेचारों का घर था यहाँ पे, सबका वैसा हो गया। ये कांवरिया का है, देखो कितना अच्छा डीजे इन्होंने बना रखा है, और लोग देखते हैं पानी उतरते हैं फिर चले जाते हैं, बसें निकलती हैं। ये सराय कालेखां निजामुद्दीन के लिए रोड जा रहा है, और ये जो ऊपर से पुल देख रहे हैं आप, पुल के ऊपर जा रहे हैं राजघाट, राजघाट में तो पानी पानी हो गया बिल्कुल, राजघाट और उसके अंडरपास से पानी पानी हो गया बिल्कुल। हाँ
नीचे पानी पानी हो गया है बिल्कुल खाली। उधर अंदर थोड़ा दिल्ली उस साइड गुड़गांव की साइड थोड़ी बची है, और वजीराबाद में भी पानी पानी हो गया है। इनकी इनकी मामी रहती है मुकुंदपुर में, थोड़े दिन में वहाँ भी पानी पानी हो जाएगा। चलो चलो आगे वहाँ पे चल के वहाँ पे दिखाते हैं कि पानी वहाँ पे कैसा है, कैसा है पानी वहाँ पे कैसा है। हाँ चलिए, ये देखो ये लोग उधर रह रहे थे जमुना के पास से, तो बेचारे आए हुए हाईवे पे सारे लोग लेटे हुए, घर बना के रखा हुआ है, और सरकार तो कुछ ये भी कर ही नहीं रही बेचारों को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। ये देखिए इन लोगों को, ये सरकार ने इतना लगाया खाना पीने के लिए, शायद खाना ना भी खिलाते पता नहीं, लेकिन जो भी है वो भी क्या करे, क्योंकि पूरी दिल्ली में तो पानी पानी हो गया है, क्या कर सकता है सरकार भी। इतना इस बार बारिश भी हुआ है, काफ़ी दिक्कत हुई है। देखो काफ़ी वहाँ तक पूरा रोड है, पहले एकदम साफ था, क्योंकि ये जब से बारिश हुई है बाढ़ आई है, मतलब बाढ़ तो क्या ही, जमुना का पानी जैसे इधर आया है ना, तो उसकी वजह से सबको दिक्कत हुई है काफ़ी। और मैं अभी बाइक पे हूँ, तो मैं तो ड्यूटी जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो रास्ते में आपको ब्लॉग दिखाते चलूँ क्या कैसा है क्या नहीं है, कि आप लोग भी देख लें दिल्ली का हाल क्या बुरा है एकदम से। वो तो वैसे ही न्यूज़ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं भी आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ कुछ। तो चलिए ये देखिए, बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए रखा ये भी, ये भी एकदम से तुम चलो चलो। तो ये देखिए एकदम यहाँ पे भी हेल्प करने, मतलब खाना ना खिलाने का ही बना रखा है, जो बाहर से लोग आ रखे हैं उन लोगों का है। ये देखिए तम्बू पूरा लगा हुआ है इधर, ये देखिए यहाँ पे भी पानी, ये बिल्कुल पानी नहीं था, एकदम खाली था भाई, फुल भरा हुआ पीछे की साइड में। देखिए आप देख रहा हो, अभी मैं आपको गाड़ी रोक के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बाइक पे हूँ तो समझ नहीं आ रहा है, तो अभी मैं रोकती हूँ गाड़ी फिर दिखाती हूँ। ये देखो इधर भी लोग रह रहे थे अच्छे से, तो कुछ भी नहीं, मतलब पानी पानी भर गया है पाइप के नीचे। देखो पहले कुछ भी नहीं था, पूरा फुल पानी दिख रहा हो। 25 फुट, ये 25 फुट का है इसका, क्या बोलते हैं ये खंबा, हाँ। जिसपे ये पाइप रखा है 25 फुट का है, 25 फुट पानी हो चुका है, बताओ इतना गहरा है। यहाँ पे इधर के लिए ऊपर हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये जाल लगा हुआ है, तो इसलिए ऊपर से दिखा पा रहे हैं आपको। लाओ मैं सही से दिखाता हूँ, पिंकी जी नहीं दिख पा रहे, दिखा पा रही। देखो देखो पानी पानी देखो कितना है, यहाँ से पूरा मतलब ये हथनी कुंड बैराग से पानी आया हुआ है। ये यमुना नदी बस इसके पास में ही लगी हुई यमुना नदी है, यमुना नदी से पानी जो है एकदम फैल गया है चारों तरफ, पूरा पानी पानी है, दूर दूर तक पानी पानी है, बताओ क्या कर सकते हैं भैया, दूर दूर तक पानी पानी दिख रहा है आप लोगों को। और आगे इस साइड में आगे यहीं पर लाइन में आगे काफ़ी लोग जो यहाँ रह रहे थे वो आगे काफ़ी लोग झुग्गियाँ डाले रह रहे हैं, हर जगह पूरा पानी पानी दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। देखो दिल्ली के लिए दुआ करो, दिल्ली बची है। अब दिल्ली क्या करें, केजरीवाल ये तो दिल्ली वाले केजरीवाल ही जाने, तो मना कर दिया है कि हमारे पास वही नहीं है। और अब अगर यहाँ से पानी, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ से पानी अगर थोड़ा ऊपर उठेगा ना, तो फिर ये रोड और ये सब सोसाइटी और हाईवे सब पे बहने लगेगा पानी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हथनी कुंड बैराग से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ गया है, 72 घंटे लगेंगे वहाँ से आने में। अब 72 घंटे में 2 दिन तो बीत गए, 48 घंटे, 1 दिन और बीतेगा पानी, देखना आप कितना आ जाएगा, डूब जाएगा ये पूरा, बाहर आ जाएगा पानी। चलिए पिंकी जी बताइए क्या हाल है तुम्हारे, बढ़िया ही है। थोड़ा अच्छा नहीं फील हो रहा है कि लोग अपना घर, अच्छा कहाँ से फील होगा, कोई भी घर छोड़ेगा तो वो तो बुरा ही लगता है, अभी हमको ही छोड़ना पड़ रहा है, तो हम चल चलते हैं। पूरी सोसाइटी में ऐसा पानी आ रहा है, उधर लोग रह रहे हैं काफ़ी लोग हैं। हाँ चलो चलते हैं फिर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बताओ एंड करो। तो चलो अब हम चलते हैं, हमारा भी टाइम हो रहा है ड्यूटी का, ड्यूटी जाना है हमको, आपको इतना दिखाना था और कहीं कुछ दिखता तो बने रही है हमारे ब्लॉग के साथ, कितना क्या पानी आता है दिखाते रहेंगे, हमारी पिंकी जी बनी रहेंगी आप लोगों के साथ। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।